हाय मेरे दोस्त, आज हम 10 क्लास एक्सरसाइज 3 का भी का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे जा रहे हैं, जो कि लुसेंट मैथ से हम बताते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 का इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ से हो जाएगा 2x बाई ए प्लस बाई बटे बी इजकल टू 2 एंड x बटे ए माइनस बाई बटे बी इजकल टू 4। ये जो हम क्या करेंगे, इसको जो है पहले हम समीकरण में चेंज करेंगे, क्योंकि ये उल्टा सीधा दिया गया है। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले समीकरण में इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम बनाएंगे। तो यहाँ से चलिए हम समीकरण फर्स्ट को हम पहले सुधारते हैं, इसके रूप का बुलाते हैं a1x + b1 = c1। इसके रूप का हम लाएंगे इससे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखते हैं पहले इसको 2x / a प्लस बाई बटे बी इजकल टू 2। अब क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ए बी। अब इससे भाग दिए इसमें तो ये बी आ जाएगा, तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2bx प्लस, इससे भाग देंगे तो बी कट जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ay इजकल टू 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से तिरछा तिरछा हम गुना कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे जब करेंगे तो हो जाएगा 2bx प्लस ay इजकल टू, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2ab। यह हमारा है जो समीकरण फर्स्ट तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इससे चलते हैं, तो इससे जो है हम यहाँ से हो जाएगा, लिखते हैं अब इससे जो है हम ऐसे नहीं लिख करके अब ऐसे लिखेंगे, तथा a2x प्लस b2 = c2। हम इसके रूप का इसको अगर जो हम तोड़ेंगे तो इसके रूप के बनाना है, तो हमारा जो है समीकरण सेकेंड तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या, x / a - y / b = 4। यहाँ से क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लिए थे एलसीएम वैसा ही जो है हम इसमें ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा ए बी का एलसीएम ए बी आ जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा, तो इसको इससे गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स। अब इसको जो है, अब ये इसको इससे भाग देंगे, है ना, तो ये भाग लग गया तो कितना हो गया है, ये बच गया, तो इससे यानी गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस में ay = आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1 दे करके इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो इसको इससे करेंगे तो यही आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 4ab। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा समीकरण सेकेंड भी प्राप्त हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, एक से या तो बाई का मान निकाल करके समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में रख देते हैं। तो चलिए हम जो है चल रहे हैं समीकरण सेकेंड से, लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। यहाँ समीकरण सेकेंड जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, bx - ay = 4ab। अब यहाँ जो है bx = हो जाएगा 4ab, ये साइड क्या है माइनस में है, वो साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा ay। अब जो है हमको x का मान चाहिए, क्योंकि इसमें हमको इस समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x = यहाँ से 4ab + ay / b। यहाँ जो है हमारा इतना x का मान आया है। अब क्या करेंगे, इसी को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, यहाँ से जो है हम रखेंगे मान, समीकरण फर्स्ट जो दिया गया है ये दिया गया है 2bx + ay = 2ab। अब जो है x का हमारा मान जो है इतना आ चुका है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो 2b × x का मान जो है इतना है 4ab + ay / b प्लस ay बराबर 2ab। यहाँ से क्या करेंगे, ये गुना में है तो भिन्न का गुना में यहाँ दिया गया है, तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 2 बच गया है, 2 को जो है हम इससे भी गुना कर लेंगे, 2 से इसको भी गुना कर लेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको 4 दुनी 8,
ए बी, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस में टू ए वाई प्लस यहाँ से बचेगा ए वाई बराबर यहाँ से टू ए बी। अब यहाँ से जो है क्या है, ये दोनों एक जाति का है, यहाँ एक ए वाई है, यहाँ दो ए वाई है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको जो है ओ साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा यहाँ से दो एक तीन ए वाई इजकल टू यहाँ से टू ए बी, ये साइड क्या है प्लस में है तो वो साइड जाकर क्या होगा माइनस में एट ए बी, तो थ्री ए वाई इजकल टू हो जाएगा हमारा कितना आठ ए बी में से दो ए बी चला जाएगा तो माइनस में सिक्स ए बी बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीन से भागा देंगे तो दो मरते हम कटेगा और ए से ए कट जाएगा तो बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, इसलिए बाई इजकल टू जो हमारा आ जाएगा माइनस में टू बी, ये हमारा बाई का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे इसी को जो हम एक्स में रख देंगे ले जा करके यहाँ पर, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि एक्स इजकल टू जो दिया गया था पहले निकाल चुके थे फोर ए बी प्लस ए वाई बटे बी, यहाँ लिखेंगे एक्स इजकल टू फोर ए बी प्लस ए इंटू बाई का जो मान है, देखिए हम यहाँ से क्या कर चुके हैं क्या ये माइनस में टू बी, तो माइनस में टू बी रखना पड़ेगा बटे बी, यहाँ से यह हो जाएगा एक्स इजकल टू फोर ए बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू ए बी बटे बी, एक्स इजकल टू हो जाएगा हमारा कितना ये आ जाएगा फोर ए बी में से टू ए बी चला जाएगा तो बच जाएगा टू ए बी बटे बी, बी से बी कैंसिल हो गया तो एक्स इजकल टू आ जाएगा टू ए, चूंकि इसलिए हमारा आंसर जो आ गया है एक्स इजकल टू आ गया है टू ए एंड बाई इजकल टू जो आया हुआ है हमारा माइनस में टू बी, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।